अम्मी हुजूर, ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो ना सही, मैं और नाजी कहीं नहीं जाएंगे, मैं नाजी को समझा दूंगा। प्लीज आप परेशान ना होइए। सैया, क्या सोचा? कब जाएंगे हम यहां से? खुदा जाने तुम्हें यहां क्या तकलीफ है। तुम समझती क्यों नहीं हो? इस तरह हवेली छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। अब्बा हुजूर की फौतगी को अरसा ही कितना हुआ, क्या कहेंगे लोग? कभी कभार दुनियादारी की खातिर अपने ऊपर जबर करना पड़ता है। मुझे पहली मर्तबा लग रहा है कि तुम मेरे सैया नहीं बल्कि एक नवाबजादा बन के बात कर रहे हो। नाजी, तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह मुंह उठा के हम हवेली से नहीं जा सकते। अम्मी हजूर से बात करना मेरे लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था। जब मैंने उनको यह बताया कि हम हवेली छोड़ के जा रहे, वो परेशान हो गई, बकायदा रोने लगी। अब तुम खुद ही मुझे बताओ, इस तरह के हालात में हम हवेली कैसे छोड़कर जाएं? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब मेरा कोई ख्याल नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम। नाजी प्लीज, ये बात नहीं है। अच्छा कुछ अरसा तो गुजरने दो, मैं इस बात का कोई हल निकाल लूंगा। ठीक है। इतने दिनों में सिर्फ एक बार तुमसे कुछ मांगा है और मुझे तो वो भी नहीं मिला। नाजी प्लीज, मेरा पीछा अब छोड़ दो। मैंने कहा ना, कुछ दिनों तक इस बात का हल निकाल लूं। अभी तक तो जायदाद के मसले भी ठीक नहीं आए और ऊपर से तुम भी प्रेशर दे रही हो। अब खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह मुझे जल्दी उठना। तेरा क्या ख्याल है, ताहिर को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, वो जब उसे बुलाएंगे वो चला जाएगा तुझे छोड़ के चला जाएगा। जवानी के जोश में तुझे मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, और जब समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। आ गई ना असलियत पर। एक तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि किस छत के नीचे तुम्हें हम बर्दाश्त करते हैं। ऊपर से एक नई चाल चलनी शुरू कर दी है कि ताहिर को हमसे अलग कर दोगी। एक बात मैं तुम्हें समझा देती हूँ, अगर तुमने ताहिर के दिमाग में कोई भी ऐसा ख्याल डालने की कोशिश की तो तुम अकेली यहां से रवाना होगी, ताहिर नहीं जाएगा। और अगर तुमने ताहिर को यहां से ले जाने की कोशिश भी की तो मैं ताहिर को जहर देकर कत्ल कर दूंगी।
समझी? बड़े पर पुर्जे निकाल दिए तुमने। हम तुम्हें समझा दें कि उड़ते परिंदे के पर हम काटना खूब जानते हैं। तुम क्या समझती हो, अपनी मर्जी चलाकर तुम ताहिर को यहां से दूर लेके जाओगी? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना जी, ना जी, मैं अपना बटुआ भूल गया था। अम्मी हजूर, आप सब लोग यहाँ इस वक्त? ना जी, मेरी बहन। बस हम तो अपनी बहू को देखने आए थे। तुमने तो ताहिर हमें परेशानी करके रख दिया रात को ये बता के कि ये यहाँ दुखी है। रात हमारी कैसी गुजरी बस ये हमें ही मालूम है। सुबह हुई तो हमने सोचा कि हम खुद आके पूछेंगे कि इसे क्या तकलीफ है यहाँ। हम तो इसे अपने दिल और जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, तो ये क्यों हमसे दूर भागना चाहती है? हमने फिर सोचा कि शायद इसी को हमसे कोई शिकायत हो। चले, अच्छा है अम्मी हजूर, आप खुद ही आ गई। मैं तो नाजी से पूछ पूछ के थक गया हूं कि यहां इतनी परेशान क्यों है। बहरहाल मुझे खुशी हुई है कि आप सब लोग यहां हैं नाजी का दिल बहलाने के लिए। मेरा वॉलेट। और ताहिर से एक लफ्ज भी कहा ना तो ये मुंडेरे देख रही हो बाहर हवेली के, यहां से तुम्हें लटकाएंगे। ये लो अपनी बच्ची। एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। चलो, देर आए दुरुस्त है। मैं तो सोचा था शायद तू वापस ही ना आए। अरे यार, सच पूछो तो तुम लोग की याद ही मुझे इतनी आती थी। और वैसे भी बाहर की जिंदगी का चाम बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है, और खानदानी रिश्तों की मोहब्बत का एहसास सिर्फ बाहर जाकर ही होता है। भाई, हमने फखर से कह दिया है कि वो इस घर को अपना घर समझे, वो भी हमारी औलाद की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि फखर अब तुमने यहाँ पे आने का सोच ही लिया है तो मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ पे अपने कदम जमा लोगे इंशाल्लाह। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं ना। बिल्कुल यार। फौजिया, तुम्हें क्यों चुप लग गई एकदम से? भाई, जहां तक मेरी याददाश्त है तो तुम बचपन में इतना बोलती थी कि लोगों के कान पक जाते थे। बिल्कुल ठीक कहा, अब भी इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता। मुझे कोई बीच में बोलने दे तब ना। और फखर, ये तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है? इतने बड़े हो गए हो, मजाक की आदत वही की वही है। अरे अरे, तुम दोनों तो मिलते ही शुरू हो गए, कुछ पल तो सुकून से गुजरने दो। खाला जान, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों ही शुरू हो गए। अच्छा भाई ताहिर, वो नाजी और सायका कहाँ है? हाँ, वो अपनी माँ के घर पे गई है, आएगी तो मिलाऊंगा जरूर। हाँ प्लीज, खाना बड़ा मजे में मौले हो। मेरी बच्ची, क्या हालत बनाती है तेरी। जालिमों ने इतने जुल्म किए और तू खामोशी से सहती रहे। तू छोड़ दे उसे, आ जाइए या मेरे पास आ जा, से कम यहां सुकून तो है ना। कैसे छोड़ दूं माँ उसे, मेरा शौहर है वो, इस बच्ची का बाप, ये
इसे कैसे छोड़ दूं? तू कह दे उसे, कह दे उसे कि ये सब कुछ तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कौन सी कमी है तुझ में? कमी है ना माँ, मैं उनमें से तो नहीं हूं ना। दिन रात बस ये बात भूलने ही नहीं देते वो, कि ताने, कि तंज मेरे जिस्म में जहर बन के फैल गए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। तू बता दे ताहिर को सब कुछ, तू बता क्यों नहीं देती? नहीं माँ, वो मार डालेगी, वो मार डालेगी मुझे। उसकी माँ ने इतनी दफा बोला है मुझे कि अगर मैंने ताहिर से कुछ कहा तो वो हम दोनों को अलग कर देगी, निकाल देगी हवेली से मुझे। तो मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ उसे। ऐसे तो ताहिर को कभी मालूम नहीं होगा कि क्या गुजर रही है तुझ पे। वो तुझे क्या मारेंगे, तू तो खुद ही अंदर से मर चुकी है। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम, तू उससे कुछ मत कह। क्या पता, बताइए खुदा का कोई इम्तिहान हो, कोई आजमाइश भी तो हो सकती है ना। कैसी आजमाइश है, कैसी आजमाइश है, कैसा इम्तिहान है ये जिसका कोई नतीजा ही नहीं है। हाय, मेरे शक सही निकले, कितना घबरा रही थी मैं जब तूने ताहिर से शादी का फैसला किया था। मगर ताहिर को जानने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो चंद लम्हे जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे हैं, बस वही मेरी जिंदगी का हासिल है। पागल है, पगली, पगली है, पगली, पगली। वैसे फखर के आ जाने से घर में कुछ रौनक सी नहीं आ गई है? उसे देखकर तो मुझे बस रूम भाईजान की याद आती है, जवानी में वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे ना। अपना खून तो फिर अपना ही होता है ना। एक बात कहूं? हाँ हाँ। जब से ताहिर ने फौजिया से शादी करने से इनकार किया है ना, तब से आज तक हम आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतना मत सोचा करो, जो होना था सो हो गया। हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा था, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। ये बताइए, हमने आपसे कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत की? नहीं ना। तो फिर अपने आप को आप कसूरवार क्यों ठहराती हैं? कैसे ना समझें, सहन मानने को तैयार ही नहीं। बचपन से जो निस्बत तय पाई वो उसको दिल से कैसे निकाल दें हम? लेकिन सुनिए, एक बात है, अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। फखर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फखर के बारे में? यानी फौजिया के लिए? हाँ, अपने घर का बच्चा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? फौजिया नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल। आप बात तो करके देखिए ना, ताहिर से उम्मीद ना रखे, अब
अपनी जिंदगी बनाने का सोचे, आखिर कब तक कमारी बैठी रहेगी? कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, हम बात करके देखते हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, उस चुड़ैल से इंशाल्लाह ताला जान छुट ही जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बस तुम ताहिर को अपने हाथ में रखने की कोशिशें जारी रखो। मेरी तो हर दम यही कोशिश होती है। बहुत फर्क आ गया ताहिर के रवैये में। मुझे तो लगता है फौजिया उसका जी नाजी से भर ही गया है। भाई एक देहातन कितनी देर तक नजरों में समा सकती है? हसीन तो है। हसीन है तो क्या हुआ भाई, तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? तहजीब याफ्ता हुस्न के सामने उस देहातन की क्या वक्त? तुम भला किसी से कम हो? ताहिर को आखिरकार हार मान के तुम्हें अपनाना ही होगा। ताहिर को पाने के लिए मैं कुछ भी सह गुजरूंगी, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर मैं कोई भी खौफनाक कदम उठाने से गुरेज नहीं करूंगी। मायूस मत हो फौजिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो नाजी ने ताहिर को अलग करने की पूरी कोशिश की ना, लेकिन बात नहीं बनी। ताहिर को खाला जान की बात मानना ही पड़ी। ये तो वाकई कमाल हो गया कि ताहिर ने नाजी की बात ठुकरा दी। आगे आगे देखो होता है क्या। ये इश्क अबू जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से नीचे चला आता है। सही तो कह रही है, सैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब सैया मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई नहीं है जिसे मैं अपना दुख दर्द कह सकूं। नाजी, तुमने अपने क्या हालत बना रखी है? मैं इतने दिन से देख रहा हूं, ना कुछ खाती हो, ना कुछ पीती हो, ना कुछ बोलती हो। बहुत परेशान किया तुमने मुझे। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें कहीं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, डॉक्टर को देखते हैं जाके। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, एक और भी आइडिया है, हम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। टूर हो जाएगा, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अजीब, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। फौजिया बेटा। जी अम्मी। बेटा, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी, कहिए। वो फखर तुम्हें कैसा लगा? फखर कैसा लगा, क्या मतलब? यही सारी जिंदगी गुजारने के हवाले से। फखर से मेरी शादी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? फखर को आए दिन ही कितने हुए और आपने सारी जिंदगी गुजारने की मंसूबाबंदी भी कर ली। मैंने कभी फखर के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। तो बेटे आप सोच लो, देखो ताहिर तो तुम्हारे हाथ से गया, अब ये दूसरा लड़का है, खानदानी लड़का है, इसको हाथ से न जाने देना। अम्मी जान,
आप समझती क्यों नहीं है? बचपन से लेकर आज तक मैंने ताहिर के ख्वाब अपनी आंखों में बसाए, और अब आप चाहती हैं कि मैं ताहिर को भूलकर फखर के बारे में सोचना शुरू कर दूं। काश ये सब इतना आसान होता जितना आप लोगों ने समझ रखा है। मुझे अब भी उम्मीद है कि नाजी ताहिर की जिंदगी से निकल जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। लेकिन बेटा, हमें यह होता नजर नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसा होता नजर नहीं आता तो भी मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी। अम्मी हजूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो बेटा। मैं चंद महीनों के लिए नाजी को गैर ममालिक की सैर पर लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, वो बहल जाएगी, उसकी सेहत किस कदर गिर चुकी है, दिन पे दिन ज्यादा परेशान रहने लगी है। मैं उसकी ये हालत देखता हूं तो मुझे हौल आता है, उसको यूं देखता हूं तो कुछ देर यहां से दूर रहेगी तो गैर मानूस माहौल का एहसास भी जाता रहेगा। अब तो आपको कोई इतराज नहीं, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। हम क्या कह सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। बड़ा ख्याल है बीवी का। अम्मा हुजूर, फैसला तो मैं कर चुका हूं, अब अगर आप खुशी से इजाजत दें तो मुझे दिली खुशी होगी। जाओ बेटा, जाओ, जरूर जाओ। हम कौन होते हैं तुम्हारी खुशियों के बीच में आने वाले। अरे शुक्रिया अम्मा हुजूर, मैं अभी नाजी को जाके बताता हूं। नाजी, किधर हो? पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा था। बस ऐसे ही, दिल घबरा रहा था अंदर, तो सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें रात को भी कहना चाह रहा था, मैंने अम्मी हजूर से बात कर ली है, उनको मैंने हमारे प्लान्स बता दिए हैं। बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस जैसे ही पासपोर्ट आते हैं तो वीजा के लिए भेज देंगे। तुम बताओ तुमने जाना कहाँ है? यूरोप जाएं, लंदन या रोम या अमेरिका चलते हैं। सैया, अगर तुम किसी मजबूरी के तहत जा रहे हो तो फिर मुझे नहीं जाना। कैसी बातें कर रही हो ना जी? चलो ना, इतना मजा आएगा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, ये जो तुम्हारी थकावट है ये भी उतर जाएगी। थक तो मैं वाकई गई हूँ सही। अब हम वैसे भी कब तक यूं भागते रहेंगे? तू फिक्र ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा आगे तक टहल के आ जाऊं।
तुम फिर हमारे बेटे को हमसे जुदा कर रही हो? दो चार माँ की सैर कर आओ, आना तो फिर यही है ना तुमने? सारी सैर का मजा चखा देंगे तुम्हें। कितने फरेब जानती हो? देखने को तो मुंह में जबान नहीं है इसके, और करतूत है। तौबा तौबा, अल्लाह जाने क्या क्या सिखा के उसे आमादा कर दिया, वरना वो तो इन हालात में यहां से जाने का नाम भी ना लेता। एक मिनट खाला जान, मैं इसे समझाती हूँ। तुम्हारी अगर ताहिर से शादी हो गई है तो तुम क्या समझती हो कि ताहिर तुम्हारा हो गया? गलत फहमी है तुम्हारी, ताहिर सिर्फ मेरा है। तुम मेरे और ताहिर के रास्ते की दीवार हो, और अगर ये दीवार मैं गिरा ना सकी तो तुम्हें और तुम्हारी उस मनहूस बच्ची को मैं जान से मार दूंगी। तुम दफा हो जाया। जी नाजी, 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 नाजी अंदर हो? नाजी, नाजी, नाजी जी, कहाँ जा सकती है? नाजी, 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 ताहिर क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो इस वक्त? अम्मी हजूर, आपको नाजी का मालूम है?
वो आपके पास थी क्या? नहीं, हमारे पास तो नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने पूरा घर जाना है, मिल नहीं रही। अच्छा ऐसे करते हैं, अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं, वो बाहर जाके छानबीन कर लेंगे, मिल जाएगी। इसे इस वक्त कहाँ गई होगी? अम्मी हजूर, अगर उसको कुछ हो गया। फिक्र मत करो बेटा, हो सकता है किसी को मिलने गई। इस वक्त कौन किसको मिलता है? हाँ ये भी सही कह रहे हो तुम। कहाँ जा सकती है, उसका तो कोई है भी नहीं अभी एक बूढ़ी माँ के अलावा। अच्छा देखो, सैफू बाबा से कहते हैं कि अपने चंद लोग जमा करके बाहर जाके नाजी को ढूंढे। तुम फिक्र मत करो, बल्कि यूं कहो तुम जाके कह दो सैफू बाबा से, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने, और फिक्र मत करो बेटा मिल जाएगी। सैफू बाबा, अरे नाजी बीबी नहीं मिल रही, जाओ जरा ढूंढ के आओ जल्दी से। जादू करनी, तूने हमसे हमारे ताहिर को छीना। ये मेरी आंखों के सामने आती है तो मेरे आगे अंधेरा छा जाता है। मैं तेरी खुशियों का खून चूस कर रहूंगी। इस टाइम मेरे बेटे को हथियार के मेरी कोख बर्बाद किया है। ताहिर को अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा ना तो ये मुंडेरे देख रही हो बाहर हवेली के, यहाँ से तुम्हें लटकाएंगे। उड़ते परिंदे के पर हम काटना खूब जानते हैं। तुम्हें और तुम्हारी उस मनहूस बच्ची को मैं जान से मार दूंगी। नाजी प्लीज मेरा पीछा छोड़। आप ये कह रहे हैं कि आपकी वाइफ सुबह 3 बजे से लापता है, कोई ऐसी वजह आप लोगों को समझ में आ रही है जिससे उन्होंने ये कदम उठाया? आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कि बड़े लोगों के मामला अक्सर ऐसे होते हैं कि। इंस्पेक्टर साहब, ये हम सबकी चहेती थी। हमारी तो हमेशा ये कोशिश रही कि वो इस घर में खुश रहे। अलबत्ता ये दूसरी बात है कि जिन हालात में वो यहाँ आई, मेरा मतलब है गुर्बत वगैरह, तो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ सेटल होने में, एडजस्ट होने में उसे कुछ मसले पेश आए हों। अम्मी हजूर, नाजी ने ऐसी बात कभी नहीं की थी। बेटा महज ख्याल है, जाहिर उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बीवी अपने शोहरों से नहीं कहती। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर है कि पिछले चंद महीने में मैं नाजी को उस तरह वक्त नहीं दे सका जिस तरह मुझे देना चाहिए था। बाकी वफात के बाद इतने कानूनी मसले मसाइल बढ़ गए थे कि उनको हल करने में बहुत देर लग गई, और फिर हमारी बच्ची साइका की पैदाइश, वो भी उसके लिए एक मुश्किल टाइम था। ऐसे टाइम में तो अपनों को पास होना चाहिए। हम तो हमेशा घर में मौजूद होते थे, ये अलग बात है कि वो हमें अपना समझती नहीं थी, इसमें हमारा तो कसूर नहीं बेटा। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बहू को जितना जल्द हो सके मैं ढूंढ लूं, और मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं फौरन आपको मुत्तला करूँगा। इंस्पेक्टर साहब एक बात है,
कोशिश कीजिए कि ये बात इन चार दीवारी से बाहर ना निकले। हमने तो मजबूरी के तहत आपको बुलाया और ये सब कुछ बताया, वरना हमारे ख़ानदान में तो ये मायूब समझा जाता है कि घर में कोई आफत आए और पुलिस की मदद ली जाए। आपको ये कहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ। हमसे जितना हो सका उतनी खामोशी से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब जो भी है, मैं और मेरी बच्ची सायका, हम नाजी के बगैर नहीं रह सकते। प्लीज आप जो भी करें जल्दी करें। ताहिर फिक्र ना करो, नाजी मिल जाएगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इजाजत। बेगम साहबा, मैं नाजी बीबी की माँ के घर पे गया था। क्या बना सैफू बाबा? वो कह रही थी कि वो तो घर आई नहीं। हो सकता है हमें उनकी माँ से कुछ सवाल जवाब करने, अगर आप इसकी इजाजत दें तो। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप बहुत जरूरी समझते हैं तो फिर ठीक है, वरना मैं नहीं चाहता उसकी माँ को हम परेशान करें। नाजी उसकी इकलौती बेटी है। वैसे तसल्ली हो जाए तो बेहतर है, अलबत्ता हम नहीं समझते कि ये मुम्मा कुछ हल हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सूरत हाल से आगाह रखूंगा। खुदा हाफिज। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। साहब जी, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जी मेरी गुड़िया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मां को ढूंढ लाऊंगा। वो मुझसे नाराज होके गई है, अगर मुझे यकीन है ये नाराजगी ज्यादा देर की नहीं। देखना, मैं उसको ढूंढ लूंगा। हम दोनों ही उसके बगैर नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकता, तुम रह सकती हो? नहीं ना ताहिर। मैं सायका के पास बैठ जाती हूँ, तुम क्यों हर वक्त इससे चिपके रहते हो? मेरा मतलब है, तुम्हें जो भी काम करना है तुम कर सकते हो। मैं हूं ना सायका के पास। नहीं फौजिया, मुझे तन्हा रहना है। मैं तन्हा रहता हूं तो मुझे लगता है नाजी मेरे पास है। प्लीज तुम जाओ यहां से। अच्छा, मैं तो सिर्फ यहां तुमसे हमदर्दी के लिए आई थी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा तो ख्याल था कि ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते। मुझे तो लगता है नाजी अपनों से ही परेशान होकर यहां से गई है। मैं तो सोच सोच कर पागल हो गया, मैं क्या वजह होगी यहां से चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो ख्याल है कि कोई दूसरा। फौजिया,
जुबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम किस खानदान से ताल्लुक रखती हो। ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती और ना ही मैं तुम्हें नाजी के बारे में इस तरह की बातें करने की इजाजत देता हूं। मुझे तो मालूम है कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूं, पर क्या तुम्हें याद है कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखती थी? साहब जी, नीचे पुलिस वाले आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि साइका का ख्याल रखो, मैं उनसे मिलकर आता हूं। इधर बैठ जाओ। अस्सलामुअलैकुम ताहिर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, कैसी बात करें, मैं तो बेचैन हूँ कुछ सुनने के लिए। कोई खबर? खबर तो है लेकिन अच्छी या बुरी ये मैं आपको नहीं कह सकता। ये गांव की दूसरी तरफ जो दरिया बहता है वहां से मिले। मतलब है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, ताहिर साहब, उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़ें। हमें अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि वो अब इस दुनिया में। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो। हौसला रखें, मुझे ये कपड़े मिल गए थे इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपको जैसी कोई और खबर मिले प्लीज फौरन बताइएगा। थैंक यू। खाला जान, इतने दिन हो गए नाजी की कोई खबर ही नहीं है, उसकी तो लाश भी नहीं मिली। बस हम ताहिर को देखते तो हमारा दिल दुखता है। ऐसा बुरा हाल तो हमने कभी किसी का देखा ही नहीं जैसे उसका नाजी के बगैर हो गया। सारा सारा दिन उसको ढूंढता फिरता है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। मेरे दिल को तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अगर ताहिर को पता लग गया कि नाजी हमारी वजह से गई है वो तो हमें कभी माफ नहीं करेगा। ताहिर का हाल देख के तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। उसने खुद को जैसे बस छोड़ दिया है। जब तक नाजी नहीं मिलेगी ना वो ठीक नहीं होगा, देखना। चले अच्छा है कांटा निकल गया, खुद ही तफान हो गई। खैर खुद तो नहीं गई, हमने तो जो सुलूक किया उससे घबरा कर भागी है वो। हमने भी तो कसम खा ली थी ना कि उसको मिटा कर ही दम लेंगे। ऐसी ऐसी अजियतें दी के बस। खाला जान, मैंने भी क्या दिल का गुबार निकाला, मुझे यकीन था कि तंग आके फरार हो ही जाएगी। लेकिन दाद तो फौजिया को देनी चाहिए, उसने क्या कमाल किया, उसने तो नाजी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन आखिर गई कहाँ? ताहिर ने तो जमीन आसमान एक कर दिए उसकी तलाश में। हमें क्या, जहां मर्जी जाए जिंदा रहे या मरे। लेकिन ताहिर तो दीवाना हो रहा है, फिक्र है हमें उसकी। चंद दिनों की बात है खाला जान, ताहिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, बस मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं से आ ना जाए वो। तौबा करो, फिर कहाँ से आएगी? अबे तो यही खुशी है कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। बस अब ताहिर की फिक्र है, उसे किसी तरह नॉर्मल करना है। हमें डर है कि वो तो आपे से बाहर ना निकल जाए। आप लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर मेरी नाजी को मुझसे दूर भगाया। मैं सारी बातें सुन चुका हूं। अगर मुझे यह पता होता
कि मेरे अपने घर वाले मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे? मैं इस हवेली में कभी कदम ही नहीं रखता। ये मेरी भाभी है जिसने भाभी और देवर के मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। भाभी तो मां की जगह होती, बड़ा मान रखा आपने भाभी होने पर। अपनी बहन के साथ मिलकर किस तरह के मंसूबे बनाए मेरी बर्बादी के लिए, और मैं बेवकूफ कुछ भी ना समझ सका, उसकी बेबसी को खामोशी समझकर झुटलाता रहा। वो रोती रही, उसकी आंखों में जो इल्तिजा थी उसको भी ना समझ सका, अंदाज जो हो गया था। आप सबकी बातों में आके अंदाज हो गया था। और ये मेरी मां, आपको मैं क्या कहूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं रहे। कितना भरोसा किया था आप पर, मगर आपने मेरा प्यार और भरोसा खत्म कर दिया। मां तो क्या क्या कुर्बानी दे जाती है औलाद के लिए, मगर आप तो खुद गर्ज और बेहस निकली। आपकी इज्जत, ये आपकी खानदानी रवायत आपके लिए ज्यादा जरूरी थी, चाहे आपकी औलाद खत्म क्यों ना होकर रह जाए। अब्बा जैसे बासूल आदमी ने भी मुझे माफ कर दिया, मगर आपके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। मां का ये रूप मैंने आज पहली दफा देखा। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। शर्म आती है आपको अपनी मां कहते हुए। जिस मां के पैरों तले जन्नत होनी चाहिए, उस मां ने खुद ही अपने हाथों से उस जन्नत को दोजख में बदल दिया। जा रहा हूं मैं यहां से, जा रहा हूं। मेरी नाची मुझे बुला रही, मैं उसके पास जा रहा हूं। कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। ताहिर, 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 हमारी बात सुनो। ताहिर ऐसा नहीं था। ताहिर, ताहिर, ताहिर। फौजिया, ताहिर, ताहिर क्या बात है, इतने गुस्से भी क्यों लग रहे हो? मैं सब कुछ जान चुका हूँ। क्या मतलब मैं सब कुछ जान चुका हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। बनो मत फौजिया। तुमने मेरी माँ और मेरी भाभी ने सब मिलकर मेरी नाजी को मुझसे दूर भगाया। तुम सबने मिलकर उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी थी। क्या सोची थी तुम, हाँ? उसको मेरी जिंदगी से निकालकर मुझे अपना बना लोगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? और एक और बात सुन लो, अगर नाजी मेरी जिंदगी में ना भी होती ना, तो तब भी मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के ना देखता। तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पे धब्बा हो। तुमसे ये किसने कहा है कि मैं तुम्हारे आसरे बैठी हुई हूँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है जो मैं भिखारी बनके तुम्हारे दर पर बैठ जाऊं? सरासर गलत फहमी है तुम्हारी। अब तुम कोई ऐसे शहजादे भी नहीं हो कि मैं अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दूं। तुम तो काबिल ही नाजी जैसियों के लिए हो। नाम ना लो तुम नाजी का। उसने तो अपनी अजमत दिखा दी, मगर तुम वही रही जो तुम हो, नीच। ताहिर, अब एक और लफ्ज भी मत बोलना। बोलने का मौका तो मुझे अब मिला है, बताऊंगा मैं दुनिया वालों को। ये जो नवाब खानदान की औरतों को सब देवियां समझते हैं ना, असल में तो इनका खून गंदी नाली से भी मैला है। जा रहा हूं मैं यहां से, भूल जाना कि कभी ताहिर नामी शख्स होता था। जाओ, शौक से जाओ, मगर जाने से पहले जो खुशफहमी तुम्हारे जहन में है ना, उसे निकालते जाना।
मैंने तुमसे मोहब्बत कभी की ही नहीं थी, ढोंग था वो सब। और वो जो तुम नाजी से शादी कर रहे थे ना, तब भी मैंने यही चाहा था कि इस खानदान के लिए कुर्बानी दो, क्योंकि वो नाजी तो इस खानदान के काबिल ही नहीं थी। मैं अगर शादी करूंगी तो फखर से करूंगी, तुमसे क्यों करूंगी मैं शादी? जो नाजी का ना बन सका वो भला मेरा क्या बनेगा? और जो घर उजाड़ना जानती हो वो भला अपना घर कैसे बनाएगी? मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा नया फैसला, तुम बस दुआ करो कि नाजी की आह तुम्हें ना लग जाए, कुदरत उसकी तड़प का बदला तुमसे जरूर लेगी। तुझे पता है मैं तो जैसे पागल हो गई हूँ। सच, तेरे पीछे बिल्कुल पागल हो गई हूँ। तुम मुझसे शादी करके तो खुश है ना? हाँ जी, कैसी बातें कर रही हो? आइंदा अगर तुमने इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं, डर लगता है कभी कभी अपनी ही नजर ना लग जाए। माँ जी। ताहिर आओ बेटा, कैसे आए? माँ जी, दरिया के किनारे से नाजी का दुपट्टा मिला। पुलिस को मिला। मेरी वजह से नाची ने कितने दुख देखे। मैं अंधा हो गया था खानदान के प्यार में, मुझे माफ कर दे। मैं आपका कसूर हूं। माफ ज्यादा है और कर भी क्या सकता, वो आग में चल चल के राख हो गई। अब तुझे उससे नहीं पूछा, तुझे उससे नहीं पूछा। उसने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा? मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हजार दफा पूछा, एक दफा नहीं बताया उसने। मैं जब भी उससे पूछता था मुझे खामोश नजरों से देखती थी। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? डरती थी वो, तेरी माँ और तेरी मामी से डरती थी वो। उन्होंने एक मिनट भी उसे चैन से नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा कि अगर उसने तुझे बताया तो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मेरे से बाहर निकाल दिया, डरती थी वो। उसके डर ने उसकी जान ले ली, जान ले ली। अरे कितने दफा मना किया, लेकिन वो तो तेरे प्यार में अंधी थी, अंधी थी तेरे प्यार में। कहती थी कि तेरे साथ बिताए प्यार उसकी जिंदगी का हासिल है। तुझे इतना प्यार करती थी वो। मेरी बच्ची ने अपनी कुर्बानी दे दी, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, कहाँ ढूंढूंगा।
किस तरह की फौज में टूटोगे बता मुझे कहाँ टूटो अगर तुम नाजी को उस घर में लेकर गए तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले उसका जीना अजाब कर देंगे। गया हूं मैं 2-3 दफा हवेली और देखा है मैंने उन लोगों को। ताहिर, भाभी के लिए ना हवेली में जगह और ना उन लोगों के दिलों में। देखो मैं आ गई। इतनी देर कर दी तुमने नाजी। हाँ ना, वो माँ है ना, निकलने ही नहीं देती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। वादा करो कि कल आओगी। तुम मुझसे रोज क्यों पूछता है? याद कराता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं भूल सकती हूँ? जी अम्मी हुजूर, सब खैरियत तो है ना? असर बेटा, हम ताहिर की वजह से बहुत परेशान हैं। उसकी कोई खबर नहीं है, कितनी देर हो गई है, हमें बहुत फिक्र है। अम्मी, आपने आसिफ के घर पे फोन किया? हाँ, हमने आसिफ के यहाँ भी फोन किया, एक 2-4 और दोस्तों के यहाँ फोन किया, किसी को कोई पता नहीं, लापता है वो। तुम कुछ तो करो असर। आप परेशान ना हो अम्मी हुजूर, मेरे पास ताहिर के तमाम दोस्तों के फोन नंबर्स हैं, मैं जाके अभी फोन करता हूँ। हाँ बेटा प्लीज, आप परेशान मत हो। मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे यहाँ से ले चलो। सही है, मुझे यहाँ से ले चलो। इतने दिनों में सिर्फ एक बार तुमसे कुछ मांगा है और मुझे तो वो भी नहीं मिला। मेरी बच्ची ने कुर्बानी दे दिया। Allahu Akbar, Allahu Akbar.
अलमिया, सबके मम्मी पापा होते हैं मगर मेरा कोई नहीं है। सब कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे छीन लिया और मेरी पुरानी आँख भी चली गई। और अब जो नहीं आएंगी वो पता नहीं कैसी होंगी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता और मेरा कोई दोस्त नहीं है। सादिया ताई और फौजिया चाची जब भी मुझे देखती हैं पता नहीं क्या क्या कह देती हैं। रेहान और गुलरुख मुझसे खेलने से रोकती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं। और दादी भी मुझसे बात नहीं करती। हजरत ताया और फकर चचा भी मुझसे कभी कभार प्यार करते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है लम्या, क्यों? मुझे मेरी मम्मी के पास भेज दे प्लीज। चलो बेटा भूख मारो। अरे अरे तुमने क्यों भूख मार दी? आया कहाँ मर जाती है, कैसे आ गई हमारी इजाजत के बगैर? चल तुम यहाँ से। अरे मेरा तो दिल धक से रह गया। अल्लाह खैर करे मेरे बेटे की। बेटा इसका सदका उतारना तुम जरूर। जी पता नहीं ये मनहूस किस वक्त यहाँ पर आ गई है, मेरा तो बस नहीं चल रहा वरना इसका गला ही घोंट दो। क्या हो गया आप लोगों को, किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये बच्ची ही तो है बेचारी। अंजुम तुम बीच में मत बोला करो। ठीक है फिर मैं बीच में रहती भी नहीं। चलो बेटा तुम केक काटो। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रेहान। ये केक बहुत प्यारा है मेरे लिए। हाँ ये केक खास तुम्हारे लिए है, हम दोनों मिलकर ना तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। सादिया ताई ने तुम्हें वहां से भगा दिया तो क्या हुआ, हम मनाएंगे तुम्हारी बर्थडे। मगर आज तो मेरी बर्थडे है ही नहीं। हाँ लेकिन क्या हुआ, ये तो खुशी मनाने की बात है ना, हम दोनों अपनी खुशियाँ खुद मनाएंगे। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी नई आया आई है ना, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। बल्कि तुम जल्दी से फूंक मारो, उसके बाद हम आया को भी यहीं बुला लेंगे और तीनों मिलके केक खाएंगे। ठीक है चलो जल्दी से। सालगिरह मुबारक हो बेटी। अम्मा आप ना होती तो मैं क्या करती? बेटी मैं तो यहाँ आई सिर्फ तुम्हारे लिए थी। तुमसे मेरी दुनिया आबाद है। और आपने आके मुझे माँ का प्यार दे दिया जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसी थी। अम्मा आपको केक लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तुम्हारी दादी ने देखा था मगर कुछ बोली नहीं। इतने अरसे में वो भी जान गई हैं कि वो चाहे कुछ भी कह लें, हमारा ये सालों से दस्तूर रहा है कि तुम्हारी सालगिरह हम दोनों आपस में ही मनाती हैं। चलो बेटा नीचे चलकर खाना खा लो। अम्मा सब खाना खा लेंगे तो मैं खाना खा लूंगी, आपको पता है मैं सब में बैठती नहीं हूँ। बेटा सब खा चुके हैं, बड़े कमरे में महफिल जमी है, वहीं बैठे हैं सब, चलो आओ। ठीक है मगर खाने के बाद मैं केक आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा। अम्मा अम्मा ये मेरे लिए, ये आपने मेरे लिए बनवा और सब खाना, ये मेरी फेवरेट डिश है, सब आपने बनाई। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो इस सब से बहुत ज्यादा की हकदार हो। बस इस वक्त मुझसे इतना ही हो सका, बस इतना ही? ये तो बहुत कुछ है अम्मा, बहुत कुछ।
तुम भी कैसी हो? इतनी छोटी सी बात पर कितना खुश हो जाती हो? अम्मा, मेरी सालगिरह मनाई जा रही है, मैं खुश भी ना हूं? अच्छा बैठो, खाना खाओ। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें सालगिरह का तोहफा क्या दूं? अम्मा, आप मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तोहफा बन के आए हैं कि आपसे बड़ा तोहफा हो क्या सकता है मेरे लिए? बेटी, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरा वजूद मुकम्मल कर दिया है। तुम वो बेटी हो जो शायद मेरे नसीब में नहीं थी। तुम मुझे मिल गई हो, सब कुछ मिल गया। भाई, भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, वहां दादी का पारा चढ़ा जा रहा है। अंजू बुब्बू की फ्लाइट का टाइम भी होने वाला है, जल्दी करें ना। हाँ भाई, दो मिनट में आ रहा हूँ। आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए, वहां डैडी और मम्मी आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ खड़ी रहोगी तो कैसे तैयार होगा? जाओगी तो तैयार होंगे ना, जाओ देर हो जाएगी। और वैसे आप इस तरह भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा हूँ? मेरी बात सुनो, तुम किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? तो आ रही है साथ कोई और भी? सब समझता हूँ मैं। हाँ, मैं अभी आपकी दादी से जाकर शिकायत करती हूँ। रेहान मर गए बॉम्ब रे। फारुख, जाओ जाके शर्ट चेंज करो, जल्दी करो। हाँ हाँ कर लूंगा, बहुत टाइम पड़ा हुआ है अभी। तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम्हारे कमरे में शीशा नहीं है? रेहान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। एक तो जो ये लड़का है ना, नीचे आपकी दादी हुजूर इंतजार करेंगे, आपकी वजह से हम सबको डांट पड़ेगी। जल्दी कीजिए। बस दो मिनट बाबा, जस्ट टू मिनट्स। दो मिनट? आपने वीना इसे बिला वजह ढील दे रखी है। क्या करूं सारे, कभी कभी जब मैं ऐसे डांटने लगता हूं ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरा दिल मुट्ठी में आ गया हो। रेहान के और ताहिर के एक्सप्रेशन इतने मिलते हैं कि एक लम्हे के लिए निगाह धोखा खा जाती है, और फिर मैं उसके बाद उसे कुछ नहीं कह सकता। मेरी जान जल्दी आ जाना, ठीक है? सुमेरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मी मैं तैयार हूँ, फारूक मुझे तंग कर रहा है। और फारूक, ये तुमने शर्ट क्यों नहीं चेंज की? जाओ बदलो फौरन। हाँ मैं कर रहा हूँ अम्मी, और वैसे भी आपकी बेटी तैयार होने में जितना टाइम लगाती है ना, इतनी देर में तो किसी गरीब की शादी ही हो जाए। ओ मैडम, ये जिसके लिए तुम परफ्यूम की बॉटल खाली कर रही हो ना, उसको जुकाम है, ठीक है? कोई फायदा नहीं होगा। फारूक, तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी है? अम्मी, इसे कैसे चला जाए प्लीज। फारूक, बड़ी बहन को मत तंग करो, बाज आ जाओ। फारूक, आज बड़े दिनों बाद हमारा कुनबा भरा पूरा लग रहा है।
सच बात है बेटा, औलाद में से एक भी साथ ना होना तो एक अजब कसक सी रहती है। अम्मी जान, जब से आई हूँ ताहिर भाई की रह रहकर याद आ रही है। सोचती हूँ अगर वो आज हमारे दरमियान होते तो हवेली की रौनक दुबाला हो जाती। बेटा पहले नवाब साहब और फिर ताहिर के जाने से तो हमारी हिम्मत तो बस टूटी गई। तो असर और फकर ने हमें संभाले रखा है, वरना हमसे बहुत मुश्किल है। खाला जान छोड़ें, इस खुशी के मौके पर माजी के दरीचों को ना खोलें, बच्चे सुनेंगे तो वो भी उदास हो जाएंगे। ये रेहान पता नहीं किधर रह गया है। वो रेहान भाई कह रहे थे किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, वो निपटा कर ही आएंगे। अब कमाले भाई, मैं आया परदेश से यहाँ पर दोस्त की खातिर, अब दोस्त साहब हैं कि हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वाह अम्मी, अम्मी क्या कह रहे हो? खुदाया ये म्यूजिक की आवाज तो कम करो, ये तो म्यूजिक के नाम पर तोहमत है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं बता रहा था। अच्छा जी, ये बताओ कि असद का क्या प्रोग्राम है? भाई अभी तो असद ने पढ़ाई खत्म की है, वैसे तो वहाँ पे जॉब्स की ऑफर है उसे, लेकिन वो चाह रहा था कि कुछ सोच कर ही फैसला करे। वैसे अंजुम, तुम कनाडा में रहकर हमेशा तन्हाई की बातें करती हो, अच्छा ही होगा अगर तुम और असद वापस आ जाओ। और वैसे भी असद के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करने को है। इज़ राइट। बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं जरा असद से बात करके देखती हूँ, अगर वो रजामंद हो जाता है तो मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी। ओ सीडी खराब हो गई शायद। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने गाने गा लेते हैं, बल्कि अरे हाँ ऐसा करते हैं अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ, हाँ, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तुम लोग कौन सा गाना गाए? तुम गाओगे पहले। तुम लोग पहले शुरू करो ना। नहीं वो सुनाओ, ये शाम सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। ये शाम फिर नहीं आएगी, इस शाम को आओ अमर कर ले, अमर कर ले। नून 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 ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे साड़ी नाली रबूगी से ऐश करोगे ज़िंदगी दे सारे मज़े ऐश करोगे सादे ना हो हो सादे ना हो हो बचपन से अब तक इन कहकहों का शोर सुनती आ रही हूं। सब कुछ होते हुए भी यही दामन और खाली हाथ में हूं, ना किसी की चाहत ना कोई आरजू, किसी बात का हक नहीं रखती मैं। क्या खूब कहा है किसी ने, इस जहां में दोस्ती उल्फत खुलूस हमने देखा है, बराए नाम है फूल गुलशन में है यूं सहमे हुए, रंग वो जैसे कोई इल्जाम है।
हेलो एवरीबॉडी, क्या हो रहा है? अरे छोड़ो यार, इतनी देर से तुम्हारा मैं यहाँ बैठा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। ऐसा सुलूक करते हैं क्या बाहर से आने वालों के साथ? जाओ छोड़ो, मैं बात नहीं कर रहा, निकलो। अबे यार तेरी फिक्र किसको है, मैं तो अपनी पप्पो के पास टाइम गुजारूंगा, इनके साथ रहूंगा और किसी क्या जरूरत मुझे यहाँ से हटा सके मम्मी। अच्छा तभी अब जरा मेरी सुनिएगा, एयरपोर्ट पर इतने जोर से उन्होंने मुझे गले से लगाया कि मेरी तो बिल्कुल सांस ही बंद हो गई थी, और इस तरह मिल रहे थे जैसे पता नहीं मरे जा रहे मेरी याद। भाई इधर आओ, हम लोग यहाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं, जल्दी आओ। चलो चलो आ जाओ। आप लोगों ने गाना गाया? इतना बुरा कि पूरे ही घर के दरों दीवार हिल गए। नहीं तुम्हें बाहर गेट पे जमीन हल्की महसूस नहीं हुई? बकवास बंद कर। अच्छा दादी हुजूर कहाँ चल रही? अरे बेटा तुम लोग तो सारी रात नहीं सोओगे, मुझे तो नींद आ रही है, हम लोग अब चलते हैं। गुड नाइट। रिहान अब आइसक्रीम खाने चले? हाँ जरूर चलेंगे, लेकिन सिर्फ मैं और तुम। हम दोनों भी साथ चलें? नहीं नहीं सॉरी, ऐसा कोई मजाक नहीं है यार, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं हम भी जाएंगे। लिसन, लेकिन एक शर्त पे। किस शर्त पे? सुमेरा मेरे साथ आगे बैठेगी। अरे यार तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। एक्चुअली मैं भी किसी के साथ पीछे बैठकर मजे मजे की बातें करते हुए जाना चाह रहा था। लेकिन ये कहाँ बैठेगा फिर? ये गाड़ी के बोनेट पर इसको ऊपर बिठाएंगे। चलो निकलो, मैं चाबी लेके आया, ऊपर रह गई चाबी। हाँ चाबी तो मिल गई है, लेकिन काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मम्मी हुजूर नहीं आई अब तक। कितना अच्छा लग रहा है भाई, वही अलहमरा, वही अम्मी जान का इंतजार। मुझे याद है ताहिर भाई भी जब तक खाना नहीं खाते थे जब तक अम्मी जान नहीं आ जाती थी। अंजुम माजी की बातों को ना दोहराओ, बड़ी मुश्किल से अलहमरा का माहौल संभला। प्लीज अब जल्दी बुला ले उन्हें, कब आएंगी वो? बहुत भूख लग रही है, एक तो उनके बगैर कोई खाना नहीं शुरू कर सकता। टाइम तो काफी हो गया है, बुला ही लो उन्हें। लो आ गए। सब मौजूद है ना? अम्मी जान सायका कहाँ है, नजर नहीं आ रही। ओहो पप्पो किसका नाम ले दिया, उसका नाम लेते ही खाना कम पड़ जाता है और भूखा सिर्फ मैं रहता हूँ। इसका मतलब है कि वो अब तक सबके साथ खाना नहीं खाती। इस घर की औरतों के ऊपर चले तो उसे खाने को ही ना दे। असर अभी चावल देना। अंजुम पापा वो अपनी मर्जी से आया के साथ खाना खाती है। मैं सायका को बुला के लाती हूँ। अरे बैठो तुम, वो अब तक खा चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हो, आप आ गए।
मुझे आपका ही इंतजार था, मुझे पता था आप मुझे मिलने आएंगे। तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? पहले बैठे तो ना। देखूं तो जरा कैसी है मेरी बेटी, वैसी की वैसी कमजोर, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ाया। अरे अम्मी वजन कैसे बढ़ेगा, वजन तो तब बढ़ता है जब बंदा बहुत ज्यादा खुश हो और वो खुशियां उसे संभाली ना जाए। बेचारी क्या वजन बढ़ाएगी? क्यों क्यों नहीं संभाल सकती मेरी बेटी खुशियां? वो ये बातें छोड़े, मुझे बताएं आप हैं कैसी, बहुत जी जा रहा था आपको मिलने को। तो आ जाती ना मिलने, क्यों कमरे में बंद बैठी हो? अच्छा कजिन ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, दिल लगा के पढ़ रही हो ना? बहुत आला, आपको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ पिछले साल। अच्छा मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है पप्पू, आप बताएं आपकी जॉब कैसी जा रही है? यार फिलहाल तो मैं अभी छुट्टियों पर आया हूँ, वापस जाकर जॉब स्विच करनी है। तुम बताओ आजकल कमरे में पड़ी रहती हो या क्या करते रहती हो सारा दिन? जी साहब ये कमरे से बाहर कम निकलती है, बस अपनी दुनिया अलग बना रखी है इस कमरे के अंदर। कैसी हैं अंजुम बीबी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आया तुम सायका का ख्याल तो रखती हो ना? जी पुप्पो बहुत ख्याल रखती हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिक्र कैसे ना करें, अब मैं आ गया हूँ ना इसलिए तुम तैयारी पकड़ लो। किस चीज के लिए? फिक्र करने के लिए? कमरे से बाहर निकलने की, समझी? जब तक मैं यहां हूं मेरी नजरों के सामने ही रहना। बिल्कुल ताहिर भाई, मेरा ताहिर भाई। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आता हूं। अरे क्या हुआ? ये गुलरुख ने बदवा दी होगी। फर्रुख? नहीं नहीं सीरियसली मेरा मोचना आ गई। क्या जरूरत थी लपकने की? जहाँ तुम हो वहाँ तो लपका ही जाता है ना। वैसे जहाँ पैर की इतनी खातिर मदारत हो रही हो वहाँ मोच तो आ ही जाती है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा चलो चलने की कोशिश करो। उठो चलो उठो, उठो। नहीं चला जा रहा। चलो जल्दी ट्राई करो उठ के चलने की, चलो ना। चलो रेहान तुम सहारा दो। चलो सहारा दो, मेरे साथ आ डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा सहारा लो ना मेरा। ये हुई ना बात, ध्यान रखो। उठा लो उठा लो, गोद में उठा लो। चुप करो यार, उसको सीरियसली चोट लग गई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अंजुम अब तुम भी कुछ अरसे के लिए आई हुई हो, हम चाहते हैं कि कुछ जरूरी फैसले कर लिए जाए। बच्चे बड़े हो गए, अब वक्त आ गया है कि उनकी तकदीरों के फैसले कर लिए जाएं। अम्मी जान गुलरुख मेरी बेटी है, मेरे असद के साथ बहुत जचेगी वो, बस जरा भाभी रजामंद हो तो। खाला जान आपने अपने लाडले रिहान के लिए तो कुछ फरमाया ही नहीं। वो बात तो तयशुदा है और उसकी अम्मा भी राजी हैं। किससे? बनती किस लिए हो? तुम्हारी बेटी सुमैरा और रेहान का जोड़ा माशाल्लाह लाखों में एक है और इसी साल इस कार्य खैर से फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी ईद पर दोनों की मंगनी का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं अपने बेटे की धूमधाम से खुशियां मनाऊं। और मनाएंगे भी, खानदान के पहले पोते हैं। सायका के मुतालिक आपने क्या सोचा अम्मी जान? उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। रिश्ता तो आ रहा है, आप सोचता कैसा? कौन सा रिश्ता?
भाई वही नवाब हादी का। क्या नवाब हादी? तौबा करो, कुछ तो खौफे खुदा होना चाहिए दिल में। भाई इसमें बुराई क्या है, ख्वाहिशमंद है, पैसे वाला है। एक तो उम्रों का फर्क, ऊपर से दो बीवियों को तलाक दे चुका है और उसका किरदार कौन नहीं जानता। शराब पिए बगैर तो उसका एक दिन नहीं गुजरता। तो फिर क्या किया जाए, कहीं तो ठिकाने लगाना है ना उसे। अम्मी जान इस तरह तो कोई अपना बोझ भी नहीं उतार के फेंकता। आखिर वो हमारा खून है, बिन माँ बाप की बच्ची है वो। खुद तो जाने कहाँ दफा दफान हो गई और ये उम्र भर का रोग हमारे गले में लगा है। अम्मी जान वो नाजी की ही नहीं ताहिर की भी बेटी है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? क्यों ना हो हमदर्दी, मेरे भाई का जिगर गोशा है वो। तो फिर तुम ही सोच लो उसके मुताबिक। नवाब हादी से तो तुम तैयार नहीं हो, और कौन उसका हाथ थामेगा। उसकी मनहूस जात से तो सारे लोग दूर भागते हैं, अब कौन इतना दिल गुर्दा लाएगा कि उसे ब्याह कर ले जाए। ये सब आपकी बेबुनियाद तोहम परस्ती का नतीजा है। रुस्वा करके रख दिया बिन माँ बाप की बच्ची को। मैं सोचती थी कि जमाना बदल गया है, आप लोगों के जहन भी बदल चुके होंगे, मगर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, पेन किलर देता हूँ तुम्हें। सुबह मैं वॉशरूम में भी गिर गई थी। दूसरी बार गिरी हो क्या? तुम देखना, बैठे उफ, आराम से। पता नहीं किस मैंने उसका चेहरा देख लिया था मैंने सुबह ही सुबह। यकीनन साइका का ही चेहरा देखा होगा। एक वही तो है जिसकी वजह से इस हवेली में इतने वाकयात पेश आते हैं। बहुत से मनहूस लोगों के बारे में सुना है, लेकिन कोई इस कदर मनहूस होता है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वैसे ये बात तो है। सुनो प्लीज, मुझे वो पेन किलर ला दोगे? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, वो हाँ पेन किलर ला के देता हूँ मैं तुम्हें। थैंक यू। अंजुम बिल्कुल सही कह रही है, और इनफैक्ट मेरा भी यही ख्याल है कि साइका की शादी नवाब हादी से ना हो। मैं भी तो यही कह रही हूं। अब बात जब आपके घर में आई है तो आप चुप क्यों हो गई? इसमें हर्ज ही क्या है, भतीजी है आपकी, मरहूम भाई की निशानी है। काश ये बात मेरे बस में होती। तुम्हारे बस में क्यों करनी? सब घर वालों की इनायत है। क्या मतलब है? आपकी बेबुनियाद तोहमत परस्ती ने उस बेचारी के इर्द गिर्द नहुसत के जाल जो बुन दिए हैं। लेकिन आप तो इस बात से मुत्तफिक नहीं है ना, आप कर लें अपने बेटे से शादी। बात सिर्फ मेरी होती तो आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मगर आप सब लोग जानते हैं मेरी मजबूरी को। मेरे ससुराल वाले वो तो उसके नाम से भी खौफ खाते हैं, और मेरे मियाँ उसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते हैं, और ये सब आप लोगों की मेहरबानियों का नतीजा है। शुरू से उस बेचारी के साथ इतना नारवा सलूक रखा कि वो तो बस एक नहुसत का जलता हुआ निशान बन के रह गई है। आप सब ने तो उस बेचारी को रुसवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि वो भी जवान होगी, उसे भी कहीं बयाना है। अंजुम बिल्कुल सही कह रही है, और मैं भी इतने अरसे से यही समझा रहा हूं कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ इतना जुल्म ना करें, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। खुदा की लाठी बे आवाज है, जैसा करेंगे वैसा ही वापस आए। बस अम्मी जान, मैं कम से कम अपनी जिंदगी में तो ये नहीं होने दूंगी कि साइका का कोई बेजोड़ रिश्ता कर दिया जाए। ये एक मजलूम लड़की के साथ जुल्म की इंतहा होगी।
अब तक आप लोगों ने उस पर जो जुल्म ढाए हैं, क्या वो काफी नहीं है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनु, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साइका के लिए कोई और नया रिश्ता ढूंढेंगे। तो ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं है। कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा तो वहां कर देंगे, वरना नवाब हादी से ही उसकी शादी होगी। का क्या पढ़ रही हो? साइका, मैंने पूछा क्या पढ़ रही हो या लिख रही हो? कुछ नहीं। तुम इस तरह अकेली बोर नहीं हो जाती? नहीं, मैं बोर तो नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कोई अकेला और बोर ना हो? देखो आइंदा से तुम हमारे साथ बैठा करना, ठीक है? तुम तो मेरी कजन ही हो। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा ना तुम्हें पूछने आया था, कहती हो तो चला जाता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो सायका, तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन साइका मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ज्यादतियां की हैं। सिर्फ मैंने नहीं बल्कि सबने की हैं, और बचपन से लेके आज तक तुम्हें सताता आया, बदतमीजी भी होता रहा। और उस दिन जब सुमेरा के पांव पे चोट लगी तो तुमने सब कुछ कमरे के बाहर से सुन लिया। तुम यकीन करो, उस दिन से मेरा जमीर मुझे बहुत मलामत कर रहा है, चैन से एक पल भी नहीं रहा। मुझे हर वक्त ये ख्याल सताता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और तुमने तो कभी किसी को शिकायत भी नहीं की। तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज? आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगी। मैं तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूं, मगर प्लीज साइका, इस बारे में सोचना जरूर। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस माफी का मुंतजर रहूंगा। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, कहीं ये आपका कोई और मजाक तो नहीं है जिससे मैं अपनी नजरों में फिर गिर जाऊं? नहीं साइका, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर चुका हूं। पता नहीं तुम मुझे माफ कर भी सकोगी या नहीं। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैं ही बेवकूफ था, मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी गलती को भूल जाओगे। ठहरिए रेहान, ये बात तो सच है कि आपकी बात पे यकीन करने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा,
लेकिन अगर आप असल में मुझसे माफी मांग रहे हैं तो आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दिल में आपके लिए अभी भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी। बस सिर्फ आपसे इतना चाहूंगी कि आप मुझे वादा करें कि आज के बाद आप मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। वादा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोस्ती, हाथ मिलाओ ना दोस्ती। भी तुम तो छोटी सी लिफ्ट में फिसल जाती हो। आओ जल्दी 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 ला मेरा 5,000 निकाल जल्दी। मार लिया तुमने भी ना, नुकसान करा दिया मेरा। निकाल निकाल 5,000 निकाल जल्दी 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 फौरन 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 से पहले। तुम माफ करने से इनकार कर देती तो एटलीस्ट मैं शर्त जीत जाता। चल निकाल जल्दी कर। और ना ये माफ करने के काबिल है। दे दे, थैंक यू सो मच। अब बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सायका, आपने तो हमारा संडे ग्रेट कर दिया आज। ये सब क्या है? ख्वाब देखने छोड़ दो मैडम सायका, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। तुम इतनी हैरान क्यों? तुम क्या समझ रही थी कि रेहान तुमसे हमदर्दी जताने आया? जी नहीं पागल, ये तो फारूक और रेहान की शर्त लगी थी कि रेहान आएगा तुम्हें मनाएगा और तुम उसकी बातों में आ जाओगी, और तुम आ भी गई। अपनी हद में रहना सीखो, समझी? क्या प्लान है भाई 5,000 का? क्या क्या करेंगे हम तेरे 5,000 से? तुम बताओ। अरे अरे गिरेगी। जीत गया आप। मैंने तुझे कहा था मैं जीत लूंगा। I told you, I always win. मजाक उड़ाता है, मुझसे बुरी तरह बात करता है, मैं उसी की बातों में आ गई। हम इतनी काबिल रहे, घिन आती है मुझे अपने आप से। नहीं मेरी बच्ची, आप रहे तो वो सब है जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं। देखना एक दिन जरूर आएगा जब वो सब लोग शर्मिंदा होंगे अपनी ज्यादतियों पर। हमेशा यही कहती है अम्मा, मत दे मुझे झूठी तसल्लियां। मैंने उम्मीद रखनी छोड़ दी। बचपन से लेके आज तक प्यार को ही तरसती आई हूं, किसी ने कभी प्यार से देखा ही नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल खुश्क और प्यासी है। यही मेरा माजी था और यही मेरा आने वाला कल। अम्मा जी, मेरी बच्ची, मैं चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पाती। मुझे तो उससे नफरत होनी चाहिए ना, तो फिर ऐसा क्यों है? जो लोग अपने अपने से लगते हैं उनसे नफरत करना मुश्किल होता है। चाहते हुए भी उनको दिल से नहीं निकाल सकते। झूठ कहती हैं आप, वो मेरा अपना नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बाकी। आज के बाद आप भी उसका नाम कभी नहीं लेंगी। मर गया वो हमारे लिए। अच्छा मेरी बच्ची, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो ऐसा ही सही। तुम्हें शर्म नहीं आई इतना घिनौना मजाक करते हुए उसके साथ? आखिर क्या बिगाड़ा उसे तुम्हारा? यार बोर हो रहे थे, सोचा थोड़ा शुगल हो जाएगा। तो शुगल के लिए तुम्हें सिर्फ साइका ही मिली?
और तुम फर्रुख, अगर ये तुमसे कहे कि 8 मंजिला इमारत से नीचे छलांग लगा दो तो तुम लगा दोगे क्या? तुमने भी इस घिनौने आइडिया में, इस बेतुके आइडिया में इसका साथ दिया, बल्कि तुम्हें इसको समझाना चाहिए था कि ना करो, ऐसा वो हर्ट होगी। अच्छा, मैं समझाता तो ये मानते क्या? वैसे भी 5,000 रुपए बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। हाँ। एक तुम्हें शर्त हार गई, ऊपर से सब आके मुझे ही बातें सुना रहे। हाँ। हाँ। वैसे मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, उस बेचारी की हालत देखने वाली थी, हमने वाकई अच्छा नहीं किया, उसका दिल दुखा। अपन चुप कर, इतना ही अफसोस हो रहा तो मेरा साथ क्यों दिया था तूने? हाँ सही बात है, आपके साथ तो सुमेरा अभी काफी है, और क्या आपको किसी और की क्या जरूरत है? नहीं। हाँ सुनो, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलकर उसको सॉरी बोलोगे। सॉरी? भाई यार मैं क्या सॉरी बोलूंगा? देख यार, मैं तुझसे सॉरी करता हूँ कि मैं उसको सॉरी नहीं बोलूंगा। हाँ देखो रेहान, मेरी दोस्ती का इम्तिहान मत लो प्लीज। तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैं उसके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। अच्छा यार तू बोलता है तो आई विल ट्राई, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता यार। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। खाला जान, मैं कहती हूँ इस साइका का बंदोबस्त कर ही डालिए। अंजुम और फखर एहतजाज तो करेंगे, मगर हकीकत यह है कि इस लड़की के रास्ते कोई अच्छा रिश्ता नहीं आने वाला, उसकी नौसत सारे जहां में फैली हुई है। मेरे ख्याल से सादिया ठीक कह रही है खाला जान। अरे इतने बड़े घराने के चश्मे चराग हैं हादी, और उनकी नजर करम पड़ी है इस साइका पर। सही कह रही हो, अच्छे रिश्ते की उम्मीद में लड़की की उम्र ढल जाएगी, और फिर यही दुनिया वाले हमसे कहेंगे सारी जिंदगी पोती को घर बिठाए रखा। अरे हमारी बला से मरती है जी, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन असर अंजुम और फखर को कौन समझाएगा? अरे खाला, आप हमारे शौहरों की फिक्र ना ही करें, वो बीवियां ही क्या जो अपने शौहरों के फैसलों को बदल ना सके। और फिर अंजुम का क्या है, वो तो कुछ दिन में चली ही जाएगी, तब की तब देखेंगे। तो ठीक है, मैं कल ही हादी को बुलवा के और सायका का फैसला कर लेंगे, ये बोझ भी हमारे सर से उतर जाएगा। दादी हुजूर, आपने मुझे बुलाया था, तुमसे कहना था कुछ दिन में हादी आएंगे तुमसे मिलने। हादी? वो कौन है? कहा ना तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों? इस क्यों का जवाब हम अभी देना मुनासिब नहीं समझ रहे। जरा ढंग के कपड़े पहन के जाना उनके सामने, मैं फौजिया से कह दूंगी सुमेरा का कोई जोड़ा दे देगी तुम्हें। और सुनो, कोशिश करना कि अपनी बातों से उन्हें मुतासिर करो, औरत चाहे कितनी बेवकूफ क्यों ना हो, मर्द को शीशे में उतारने के ढंग हर एक को आते हैं, समझी तुम?
बस यही कहना था तुमसे। जाओ। सोचो मैं बिमो कुछ नहीं, दादी हुजूर ने बुलाया था, उन्हीं से मिलके आ रही हूं। अच्छा, नानी ने? जरूर कोई खास बात होगी, उन्हें नानी और तुम्हें बुलाए। बाय द वे, आज ये सूरज कहां से दिलू हुआ? इसीलिए तो मैं भी परेशान हूं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक आप और फूफो ही तो हैं मेरे हमदर्द इस घर में। असल में मुझे खुद नहीं समझ आई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई हादी हैं जो मुझे मिलने आ रहे हैं कुछ दिनों में। हाथी कौन है वो? मालूम नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं नानी और मोमानियों की मिलीजुली साजिश तो नहीं? पता नहीं, तो पता करो ना, ऐसे खामोश रहने से क्या फायदा होगा, अपने लिए कुछ बोलो, बोलना सीखो। पता करने का क्या फायदा, मेरे इस घर में कौन कोई सुनता है? अजीब लड़की हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। कोई फायदा नहीं। सुनो, एक मुखलिस दोस्त होने की हैसियत से कह रहा हूं, अपने लिए लड़ना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें रोन देगी। ठीक है, वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जो कर रहे हैं सही है। And I think you should learn to stand for yourself. कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। तुम कोशिश तो करो, अपने आप को अकेला नहीं पाओगी। शुक्रिया। किस बात का? एक मुखलिस दोस्त बनने का। पगली, पहचान लिया मैंने तुम्हें। बहुत ही उठाते हैं। सुनो, इधर आ। कहाँ जा रही हो? किचन से पानी लेने जा रही हूँ। एक काम करो, मेरे लिए भी ग्लास पानी ले आओ, मुझे भी प्यास लगी है। You should learn to stand for yourself. मैं मासी को भेज देती हूँ, वो आपके लिए पानी ले आएगी।
मैं मासी को भेज देती हूँ, वो आपके लिए पानी ले आएगी। एक सेकंड, मैंने पानी तुमसे मांगा है, तुम ही लाकर दोगी। वैसे भी तुम में और मासी में क्या फर्क है? मुझ में और मासी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? एक ही तो बैकग्राउंड है तुम दोनों का। बैकग्राउंड तो सबका एक ही है, और आप दोनों का बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल एक है। बहुत जवाब देने आ गए हैं तुम्हें। शायद भूल रही हो कि तुम्हारी हैसियत इस काबिल नहीं है कि तुम हमें जवाब दो। जवाब देना भी तो आप दोनों ने ही सिखाया है मुझे। कौन सा मौका छोड़ा है आप दोनों ने मेरी बेइज्जती करने का? ये भी तो आप दोनों की ही मेहरबानी है। ए लड़की, आइंदा इस लहजे में हमसे बात मत करना। मैं किसी को तन के जवाब देने की इजाजत नहीं देता और ना ही बर्दाश्त करता हूँ, समझी क्या? छोड़ो रेहान, इसको तो हम बाद में निमट लेंगे। क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो इस मामूली सी लड़की के लिए? औकात तो याद दिलाने दो इसकी। ये क्या कम है कि तुझे इस घर में पनाह दे रखी है? तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। सुबह चलती है इसकी। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। चलो क्या हुआ बेटी? वही जो हर रोज होता है। बेगम साहिबा ने कुछ कहा? नहीं। क्या उनके पोते पोतियां कम हैं? मैंने सोचा आज जवाब दे के देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। खामोश रह रह के भी मैं तंग आ गई हूँ, लेकिन शायद खामोशी मेरे हक में बेहतर है। कभी कभी जवाब देना अच्छा होता है बेटी। ज्यादा खामोश रहने से दूसरे फायदा उठाते हैं। अपने साथ ज्यादती मत होने दो बेटी। हर उस हाथ को रोको जो तुम पर उठे। सर उठाकर जियो मेरी बच्ची। हिम्मत नहीं है मेरे पास इन सब का मुकाबला करने की अम्मा। बहुत अकेली हूं मैं। देखा जाए तो इन सब का भी क्या कसूर है। उनके बड़ों ने जो जो उनको सिखाया, बचपन से जो जो उनके जहन में डाला गया, उनका रवैया इन्हीं सब बातों का नतीजा है। तुम्हारी दादी और चचो ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें बदनाम करने में। तुम्हारी माँ के साथ भी उनका यही सुलूक था। आप मेरी माँ के बारे में कैसे जानती हैं अम्मा? वो घर के मुलाजिम बातें करते हैं ना बेटी, और वो सैफू बाबा कितने अरसे से यहाँ नौकरी कर रहे हैं सब मालूम है उन्हें। अम्मा, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना। हम हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते, किसी की हिम्मत ना होती मेरे से इस तरह बात करने की। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अम्मा? क्यों? मेरी बच्ची, तुम्हें जिंदगी में खुशियां जरूर मिलेंगी,
ये मेरा यकीन है एक ना एक दिन जरूर तुम्हें खुशियां मिलेंगी। बस कुछ सब्र करो, देखना एक दिन मेरी बात सच्ची निकलेगी। कितना सब्र करूं अम्मा, कितना? मैं बिल्कुल टूट गई हूं अम्मा। मेरी बच्ची, हाँ बोलो। आपको मालूम है नानी जान ने सायका को अपने पास बुलाया था? अम्मी जान ने? अच्छा, मगर तुम्हें कैसे मालूम? सायका मिली थी मुझको, कुछ परेशान सी लग रही थी, कह रही थी कि नानी जान चाह रही है कि वो किसी हादी से मिल ले। हादी से मिल ले? सबके मना करने के बावजूद? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हैं आप? जानती हैं उसको? हाँ जानती तो हूँ। तो फिर मुझे बताए ना। तुम्हारा क्या काम जो तुम इतने बेचैन हो रहे हो? काफी तजस्सुस हो रहा है मुझे, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? इतनी राजदारी से क्यों काम लिया जा रहा है? देखो बेटा, अम्मी जान और सादिया फौदिया की मर्जी है कि हादी का रिश्ता सायका से तय कर दिया जाए। अच्छा, तो फिर कौन है ये हादी? हम इन्हें बहुत पहले से जानते हैं। चलो शुक्र है किसी को तो उस बेचारी सायका का ख्याल आया, वरना मैं तो समझता था कि वो यहीं पड़े पड़े बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन नानी जान को ऐसा ख्याल आया, समझ में नहीं आया मेरे कुछ। रिश्ता कैसा है? यही तो फिक्र की बात है बेटा, कि तुम्हारे मामू और मेरी मुखालफत के बावजूद इस रिश्ते के बारे में इतना सोचा जा रहा है। तुम्हें पता है हादी की दो शादियां पहले भी हो चुकी हैं, और ऊपर से आदतें भी कुछ अच्छी नहीं। माय गॉड, तभी उस बेचारी पर इतनी करम नवाजियां हो रही हैं। यानी एक जहन्नुम से निकाल कर दूसरे जहन्नुम में। अम्मी, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि इस रिश्ते को तय होने से रोका जाए। तो फिर आप बात करेंगी ना नानी जान से? हाँ जरूर बात करूंगी, मगर कोई मुनासिब मौका देखकर। ये सायका कहाँ है? कोई उसे तो बुला के लाए। अंजुम वो हमेशा किचन में खाती है, इसलिए कि उसे कोई बुलाता ही नहीं है। वो किसका नाम ले दिया आपने? रेहान, तुम तो सुधर जाओ। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम उसे इतनी नफरत क्यों करते हो। ठीक कहती है अम्मी आप। भई आप मेरे बेटे को क्यों डांट रही हैं? ठीक ही तो कह रहा है वो। आप लोगों के इसी रवैये ने बच्चों के जहनों में भी जहर भर दिया है। पप्पो ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो उसकी जुबान भी चलने लगी है। डटर करके सुमेरा को कल जवाब दे रही थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सीधा कर देना था मैंने उसे। हमने खुद ही डील कर लिया था, सोचा खामखा आपको परेशान क्यों करें। मैं लेकर आती हूँ सायका को। पप्पो, अगर आप उसको लेकर आएंगी ना तो मैं कसम से खाना छोड़ दूंगा। जब तक मैं सायका को लेकर आऊं तुम अपना खाना खत्म ही कर लेना। ये पप्पो भी ना उसको सर पे चढ़ा रही है बहुत। सायका, पप्पो आप, मैं पूछने आई थी तुमने खाना खाया, और अगर नहीं खाया तो चलकर हमारे साथ खा लो।
मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने दोपहर को देर से खाया था पुप्पो। शुक्रिया आपने मुझसे आके पूछा। वैसे तो खाना तुम्हें घर वालों के साथ ही खाना चाहिए। एक घर में रहते हुए ये तकल्लुफात अच्छे तो नहीं? अब तो मुझे आदत पड़ गई है पप्पो। कोई पूछता भी है ना तो अजीब लगता है। मेरे बस में हो ना तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाती, मगर मैं तो खुद मजबूर हूँ। जहाँ इतनी जिंदगी गुजर गई है बाकी की भी गुजर जाएगी। आपने मुझसे आके पूछ लिया यही मेरे लिए काफी है। अच्छा आया कहाँ है? तुम्हारे कमरे में भी नहीं थी? वो किचन में होंगी। सायका, अम्मी जान ने तुमसे हादी के बारे में कुछ कहा था? जी बस यही कहा था कि वो आएंगे और मैंने उनसे अच्छे तरीके से मिलना है। और कुछ? अच्छा तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवा दूं? नहीं बस आप मुझसे आके कभी कभी बात कर लिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेन चोरी हो गई है। क्या कह रही हो बहू? हवेली में तो कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। खाला जान मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने दिन में ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी थी और अब पहनने के लिए निकाली तो मिल नहीं रही है। तुमने दराज को ठीक तरह से देखा है? खाला जान मैंने बहुत अच्छी तरह ढूंढा है, मैंने पूरा कमरा छान मारा है, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर में कोई चोर है। तुमने काम वाली से पूछा? खाला जान मैंने मासी की सफाई करने के बाद चेन रखी थी दराज में। हैरत की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर अब ऐसा भी नहीं हो सकता, जरूर कमरे में कोई गया होगा जो चेन गायब हुई। मेरी इतनी कीमती चेन थी, अभी तो मैंने जी भर के पहनी भी नहीं। वैसे खाला आप घर में सबसे पूछ रहे हैं, हो सकता है किसी ने उठा ली हो। क्या कहना चाहती हो तुम? दादी आप सबके कमरे चेक कर लें और सायका का भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा तो उसे खाला के कमरे से निकलते हुए। सुमेरा तुम्हें सायका के बारे में ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। पुप्पो आपने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, उसे कुछ पाई नहीं, कुछ भी कर सकती है वो। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि सायका ऐसी लड़की है। ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। तो ठीक है आप एक काम करें, सबके कमरे देख लें और उसके कमरे की भी तलाशी ले लें। अगर चेन वहाँ से मिल गई तो साबित हो जाएगा कि वो चोर है या नहीं। मैं चेक करने जा रही हूँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। सुमेरा अगर सायका पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं यहाँ फिर एक पल भी नहीं रहूँगी। चल के देखती हूँ। किधर है मेरी चेन? चेन? कौन सी चेन? मेरी चेन जो तुमने चोरी की है, किधर है वो? जी कौन सी चेन? क्या हुआ? पता नहीं अम्मा चेन की कोई बात कर रही हैं। देखने दो मुझे। वाह वाह बहुत खूब सायका, अरे तुमने तो अपने घर वालों को भी नहीं बख्शा। तुम सोने की इतनी भूखी थी तो मुझे कह दिया होता, मैं तुम्हें सर से पैर तक सोने से लाद देती।
लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी कि चोरी करोगी? ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। कसम मैंने ये चेन नहीं चुराई, कसम से मैं, मुझे नहीं पता ये कहां से आई। अब जब रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो बहाने बना रही हो। खुदा की कसम मैंने तो आज तक ऐसी औलाद नहीं देखी जो जीते जी तो क्या मरने के बाद भी अपने वालिद का नाम रुसवा करती हो। तौबा है। दादी हुजूर, दादी हुजूर मेरी बात का यकीन करें, मैंने ये चेन नहीं चुराई। मैं क्यों चुराऊंगी चेन? मेरा तो कहीं आना जाना भी नहीं है। हमारे एहसानों का तुमने ये सिला दिया? मैं तो समझ रही थी कि तुम दिन ब दिन सुधरती जा रही हो, मगर तुम तो बिगड़ती ही जा रही हो। ये लो चेन, मुझे नहीं चाहिए। जिस चीज पर तुम्हारे हाथ लगे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये चोरी सायका ने की है, ये जरूर किसी की साजिश है। आप सब लोग मेरी बात का क्यों नहीं यकीन कर रहे? मैंने ये चेन नहीं चुराई। मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो ऐसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुदा की कसम मैंने ये नहीं किया। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, प्लीज। पुपो, पुपो आप ही कुछ कहें, प्लीज पुपो। बेटा, मुझे पता है बेटा, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम सच्ची हो। मगर ये साजिश किसने की है और कौन ऐसा कर सकता है? तुम्हारी बस ये सजा है कि दो दिन तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। तुम्हारा खाना और पानी हम यहीं भेज देंगे। पुप्पो मैंने चोरी नहीं की। पुप्पो तुमने चोरी नहीं की, तुम चोर नहीं हो, बेगुनाह बेबस सही मगर बेगुनाह, और बेगुनाह झुकते नहीं। भाई अगर सायका सच कह रही है तो चेन उसके कमरे में आई कहां से? काला वो चेन मैंने छुपाई थी। तुमने? मगर क्यों? बस उसे सबक सिखाना चाह रही थी मैं। बहुत बोलने लगी थी वो, मैंने सोचा उसे पहले खामोश करा दिया जाए, वरना वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। भाई मान गए तुम्हारी बेटी को फौजिया? आखिर खून किसका है? इसने तो वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। शाबाश बेटा, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। क्या चोरी करने निकली हो? सारे घर में तो टेंशन मचा दी, अब किस मुहिम पे निकली हो? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मैं डरूं किस बात से? अब जो चेन निकली तुम्हारे कमरे से अम्मी की, वो क्या था? कितनी सफाकी से झूठ बोल रही हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना सोरी। आप लोगों से तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, हर बात का उलट मतलब निकालते हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरे पे इल्जामात की बारिश की जा रही है। इल्जामात की बारिश? कहानी सुनी इसकी तूने? रहन चलो तुमसे बात करनी है। कहाँ? चलो मेरे साथ चलो। भाई क्यों? चलो चोरी Ha 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 ha
यार ये नहीं हो सकता, तुम सबको कोई गलत फहमी हुई है। क्यों नहीं हो सकता? तुम किसी से भी पूछ लो, अम्मी ने खुद उसके कमरे से चेन निकाली है। किस तरह रो रही थी, अगर रंगे हाथों ना पकड़ी जाती ना तो किसी को पता भी ना चलता। कितनी मासूम बनती है नहीं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता, ऐसा नहीं हो सकता यार। तेरा दिमाग कभी काम करेगा भी नहीं भाई, अंजुम पुप्पू और ये खामखा उसकी हमदर्दी करते हैं, हालांकि वो इस काबिल नहीं है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करते हो, बड़ी मासूम लगती है ना मैं तुम्हें। नहीं मैं नहीं मानता, तुम सब लोग गलत हो, जरूर कोई साजिश या कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छा भाई ना मान, लेकिन आइंदा मुझे मत